अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्लाइड जो है उस वक्त जो है किस तरीके से कैसे डालते हैं, इसके अंदर आपको ट्रिक सिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे सिखाया पूरा। अच्छा जनाब, आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि टॉयज से रिलेटेड है। और बर्ड्स के टॉयज क्या होते हैं, तो बड़ी हैरानगी होगी कि बच्चों के तो टॉयज होते हैं, बर्ड के भी होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ग्रे पैरट ऐसा पैरट है जिसके टॉयज जिसको ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था आप ये टॉयज कहाँ से लेती हैं, इतने अच्छे अच्छे तो हम कहाँ से लें। तो आज मैंने वो टॉयज दिखाने हैं आप। ये इतने अच्छे अच्छे खिलौने आपने कहाँ से लिए हैं, किस तरीके से आपने इनको खेलना सिखाया, तो आज मैं आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊँगी। और मैंने ये सारी ट्रिक्स इन बर्ड्स को किस तरीके से सिखाई, और इनके लिए मुझे ये वक्तन फवक्तन मैंने लिए हुए हैं खिलौने, तो ये सारे एक साथ नहीं खरीदे हुए लेकिन ये वक्तन फवक्तन लिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके रिव्यू देती हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये ग्रे पैरट के लिए, बर्ड्स के लिए जो है वो मैंने किस तरीके से कहाँ कहाँ से मैंने मंगवाए थे ये, और ये मैंने अभी रिसेंटली नए बनवाए हैं, तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये छोटे छोटे से खिलौने हैं। ये मैंने इनके जब ये इनका अपना मतलब ये एज इनकी 45 डेज थी उससे अबव हुए, तो समझ लें 8-9 महीने तक इनको गत्ते के डब्बे में मैंने खूबसूरत सा घर सा टाइप का बनाया हुआ था, हर्ट सा, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, तो मैंने उसको उसमें ये बर्ड्स अपने लगे हुए देखे भी होंगे, तो ये मैंने उनके उसमें लगा दिए थे ताकि इनकी जहनी एक्टिविटीज़ भी बढ़े इससे, कलर देख कर इनका जो है ना जहनी सलाहियतें बढ़े। जैसे ये भी आपने कहीं अक्सर देखा हुआ इनके घर में रखा हुआ ये हॉर्स, ये खिलौना, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको ये जब थोड़े से बड़े हुए थे तो इनको ये चीज़ें दी थी, छोटी बहुत ब्लॉक्स ला के दी थी, ये ब्लॉक्स का कतार बना के कभी गिरवा दिया इनसे, कभी इनसे रखवा दिया, तो ये इस तरीके से छोटे छोटे से। और ये शेप्स ये मैंने चाइना, बहुत पहले की बात है, अभी तो ये मिल जाते होंगे आसानी से अली एक्सप्रेस, बहुत मतलब समझ 8-9 साल पहले की बात है ये जब मैंने मंगवाए थे इनके शेप्स इनको लर्न कराने के लिए। लेकिन जब भी बेबी थे ना तो बेबी में मैंने इनको ये दिया था, क्योंकि ये बहुत एक हार्ड होता है और ये छोटे बच्चों का होता है, इसका इन्होंने नशर नशर कर रखा है फ़िलहाल, तो ये बहुत छोटा सा ये खिलो ये, और एक मैंने ये दिया हुआ था इन लोगों को ये चीज़, इससे भी काफ़ी इन लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा खेला है ये। और ये देखने टेलीफोन अक्सर इनके घर में मैं रख देती थी जब भी बहुत छोटे से थे, और ये बॉल भी, और ये वाला बॉल, ये देखें आप, ये ना अक्सर ये लोग लेके बैठ जाते थे, तो आपको ये इनके केज में लटका सकते हैं, इनके आप जो बॉक्स होता है उसमें लगा सकते थे। और ये खिलौने कहाँ से आए ना, ये अक्सर कैनेडा अमेरिका में इस तरीके से ना बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, उनके बच्चों को 3 साल तक के बच्चों का घर में टॉयज में आते हैं, और ये काफ़ी हार्ड होते हैं, देखें इन लोगों की चोंचों में आके टूटे भी नहीं हैं। उसके अलावा जो मैंने इन लोगों को दिया, ये स्लाइड मंगा के दी थी, ये स्लाइड मैंने इनके लिए परचेज की थी, मैंने ये स्लाइड ली थी कनाडा से मंगवाई थी। और अच्छा ये स्लाइड है, ये स्लाइड मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, कनाडा amazon.ca से, मतलब कनाडा से मैंने परचेज की थी। अगर किसी को ये चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिए। अच्छा, इस स्लाइड कैसे करते हैं, बर्ड्स को कैसे सिखाते हैं स्लाइडिंग, तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर सिखाऊंगी किसी ना किसी वीडियो में। अच्छा, उसके अलावा ये ड्रॉप बॉक्स है, और ये ड्रॉप बॉक्स भी आपने देखा होगा, मैंने ये लव बर्ड को सिखाया था किस तरीके से कैसे डालते हैं, इसके अंदर सीड डाल के वो अंदर जाके खा रहा है, इस तरीके से आपने ये बॉक्स भी देखा होगा, ये भी काफ़ी अच्छा है बना हुआ। उसके अलावा ये बॉलें मैंने अभी रिसेंटली ली हैं, ये बिल्ली की बॉलें होती हैं, तो ये जो कैट होती है तो कैटों के लिए ये होती है, मैं आजकल ये चेरी को दे रही हूँ, तो ये इस तरीके के रिंग भी आप देख सकते हैं, ये मैंने चूड़ियाँ जो हमारी होती हैं बैंगल्स, उनके मैंने रिंग 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 बना के इनको लव बर्ड को जो है ना खेलना सिखाया था, ये वो है, और ये बॉल से भी काफ़ी अच्छे तरीके से खेलते हैं। सेकेंडली आप ये देखें, आप ये देखें, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, चाइना ने भी इसको बनाया है, लेकिन ये मैंने अमेरिका मेड लिया है, ठीक है, अमेरिका से मैंने मंगवाया था ये, और यहाँ नहीं मिलता, चाइना मेड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और उनके कलर थे अच्छे नहीं थे, इनका ये कलर प्राइमरी कलर मुझे बड़ा अच्छा लगे था ग्रीन कलर में, तो ये आपने देखा होगा जूली को मैंने इसको सिखाया, जूली को ये रिंग डालना है इसके अंदर,
वो भी इंशाल्लाह आपको ट्रिक सिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे लर्न सिखाया, पूरे चारों वो डाल देती है और ये भी मैंने उनको कैसे सिखाया। उसके अलावा आप ये चीज़ देख रहे हैं क्लिकर, और अक्सर जो बर्ड्स को ट्रेन करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि वो जब बर्ड को कोई भी चीज़ सिखाओ तो उसके बाद ये एक क्लिक करते हैं जिससे वो लर्न जल्दी करता है। ये मैंने क्लिकर भी मैंने ये अमेरिका से ख़रीदे थे और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन बस शौक का कोई मोल नहीं ना, ये भी बड़ा एक्सपेंसिव था, आप ये ना समझे, ये मुझे बहुत महंगे मिले थे, लेकिन बस यही है कि शौक है और मुझे ना इनके खिलौने जमा करने के लिए बस मैं लगी रहती थी कि कुछ इनको ट्रिक सिखाऊं। तो ये भी काफ़ी ऐसा था एक्सपेंसिव, और भी ये भी बहुत एक्सपेंसिव था ये क्लिकर। अभी शायद आप देखें इनके हार्नेस भी आप देखिएगा काफ़ी वो पाकिस्तान के लिए तो जाहिर सी बात है बहुत महंगे हैं, आपने देखा होगा वीडियोस में इनको हार्नेस पहने हुए, वो मैंने अमेरिका से परचेज़ किए थे। और ये क्लिकर, लेकिन क्लिकर जो है ना मेरे इस्तेमाल में, मतलब जिस तरह मैंने इन बच्चों को ट्रेनिंग करी है कीवी को, चेरी को, जूली को, तो ये मेरे लिए फेल साबित हुए हैं। क्योंकि क्या हुआ, कीवी ने इस क्लिक की आवाज़ सीख ली थी और उसने चेरी ने भी, तो मैंने फिर इनको कर दिया अलहदा कि नहीं जी इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि ये कार्ड बड़ी ज़बरदस्त रही, कार्ड में मैंने छोटे लवबर्ड्स को काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। इस कार्ड को भी मैंने बहुत पहले उससे ख़रीदा था और ये काफ़ी सस्ती सी मिली थी मुझे, सस्ती मैं यूँ कहूँगी क्योंकि बिल्कुल जो है ना अली एक्सप्रेस बिल्कुल नया नया यहाँ चला था, तो मैंने ये जब कार्ड ख़रीदी थी उससे छोटे छोटे से बॉल्स भी ख़रीदी थी, जो कि लवबर्ड को मैंने इसको ट्रेन किया था इसके ज़रिए, तो ये काफ़ी क्यूट सी थी, क्यूट सी है, बल्कि ये देखें और सर्च करें आप तो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने इस बॉल को, आपने देखा होगा अक्सर कीवी, कीवी इस बॉल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, तो ये बॉल ये लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं, बॉल इन लोगों को बहुत पसंद है, कीवी को, चेरी को, यानी ग्रे बर्ड को, अलेक्जेंड्रियन को नहीं पसंद, क्योंकि मेरा तजुर्बा लव बर्ड का है, अलेक्जेंड्रियन का और ग्रे का, बस इन तीन मैंने बर्ड्स को जो है ना इनके पर ही इनको रखा, इनको पाला और इनको ट्रेन किया है, इनको हैंड टेम किया है इनसे, अपने वीडियोस में भी देखेंगे और अभी आइंदा भी देखते रहेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। और ये बॉल इनकी बहुत पॉपुलर रही है। सेकंड मैंने इनको एक ये चीज़ भी दे रखी थी बचपन में, इन लोगों ने बहुत ये काम किया है कीवी ने और चेरी ने, कीवी ने ज़्यादा किया है, इसका स्क्रू खोलना, जब फालतू बैठे होते थे ना मैं इनको ये दे देती थी कि लो भाई स्क्रू खोलो, तो ये बैठ के स्क्रू खोलता था, तो ये बड़े टेक्निकल माइंड होते हैं ग्रे, ग्रे को मैंने टेक्निकल माइंड पाया। सेकंड आप ये देख रहा होंगे ये शीट है, इस पर चेरी लिखा हुआ है और ये कीवी लिखा हुआ है। सेकंड ये शेप्स हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो मतलब मैंने अपने पास जॉब ली है ना कि मैंने ये करना है, इन लोगों को सिखाना है, तो मैंने अल्फ़ाबेट बनवाए हैं और इनमें लिखवाए हैं, नंबर्स कटवाए हैं और अल्फ़ाबेट, इसके नंबर और अल्फ़ाबेट नंबर, तो ये मैंने प्राइमरी कलर को उठाया है ताकि इनको मैं कलर रिकॉग्नाइज कराऊँ, चेरी को, कीवी को, कोशिश मेरी यही है कि ये लोग पहचाने कलर को और नंबर, एटलीस्ट नंबर पहचाने, क्योंकि 1 to 5 तो ये पढ़ते हैं और मैं इनको लर्न करा रही हूँ और ये कलर करा रही हूँ, देखते हैं कि ग्रे किस हद तक सीखता है। तो ये जो मैंने एक्रेलिक की इंतखाब किया, आपको मैं इस चीज़ की भी बताऊँ क्योंकि वुड के जो मैंने काफ़ी खिलौने ख़रीदे थे तो वुड मेरे पास यूँ नाकाम रहा, इन लोगों ने चोंचों से तोड़ के पूरे उसके बुरादे कर दिए और खेला ब्लॉक से, खेला स्क्वायर शेप्स वगैरह थे, लेकिन इस वक्त जब मुझे ये एक्रेलिक कि ये चीज़ बड़ी कामयाब रहेगी, इतना गिराते हैं, इतना चोश में लेते हैं, ये ख़राब नहीं होती ना टूटती, तो ये मेरे लिए बड़ा कामयाब था, ये चीज़ हो गई, ये एक्रेलिक की बनी हुई है, तो फिर मैंने इसी को सोचते हुए मद्देनजर, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में नहीं आता था कि पाकिस्तान में कोई अच्छी सा इस तरह बना के दे, तो फिर मुझे एक ये साहब मिले थे, तो मैंने इधर पीर महल है तो मैं उनका आपको लिंक बता दूँगी, मैंने इनसे ये एक्रेलिक के नंबर्स कटवाए हैं, अल्फ़ाबेट कटवाए हैं जी, आप देख रहे हैं बना हुआ शीट पे, ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, अगर आप लोग घर में खातून जो है ना अपने बच्चे को कुछ लर्न कराना चाहती हैं तो इस तरह की शीट बनवा लें और ये अल्फ़ाबेट कटवा लें, ये शेप्स कटवा लें, बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैंने ना इन लोगों के लिए ये बनवाए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है कि ये अब अगर मुँह में भी लेते हैं ना तो टूटेंगे नहीं, लेकिन ये ज़रा सा मुझसे बारीक हो गई है, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका, इसकी थोड़ी सी और मोटी होनी चाहिए शीट, क्योंकि फिर बर्ड आपको पता है कितनी अपनी ताकत लगाता है और उसको एक फितरतन उसको जो है ना चबाता है हर चीज़ को लेके मुंह में, आप ये देखें ना इसको किसका कितना असर किया, ये शौक़ देखें इनके, तो फिर आपने ना क्या करना है, फिर ये एक्रेलिक के खिलौने बहुत अच्छे रहते हैं इन बर्ड्स के लिए, गिरे के लिए, ये इस तरीके की चीज़ें थी मैंने इनको,
और कुछ मैंने ना चेरी से कीवी से छिलवाए ये इनके पास शीट चिपकी हुई होती है और ये फिर इन सारे छील के मैंने आप लोगों को कराई है। तो मैंने ना ये कीवी और चेरी से छिलवाए तो आपको मैं इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगी कि इन लोगों ने मेरी हेल्प की है इसको छीलने में। ये बिल्कुल न्यू बनकर आए हैं अभी और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही है कि मैं इन लोगों को अल्फ़ाबेट लर्न कराऊँ, कलर लर्न कराऊँगी ये वाले। तो देखते हैं कितनी कामयाबी होती है, ग्रे कितना सीखता है। तो एक व्यू मैं आपको और लगा दूँ, ये अगर एक्रेलिक की ये चीज़ें स्लाइड छोटी भी बन सकती है, मैंने बड़ी बनवाई थी लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब मेरा जो है ना ग्रे इससे स्लाइड कर पाएगा। मैंने हमेशा जो है ना लव बर्ड को ही स्लाइड करवाया, कॉकटेल नहीं कर पाया, स्लाइड उसके जहन में ही नहीं चीज़। तो लव बर्ड लुटीनो ये लोगों ने करा है स्लाइड, लेकिन मुझे कीवी मेरा नहीं करता था, लेकिन चेरी ने जब इसके ऊपर किया तो वाकई मेरी ये पैसे और मेहनत और ये मोहब्बत और ये जो लर्निंग की जो मैंने इतना टाइम लगाया इनके साथ, ये मेहनत वसूल हो गई। और ये एक्रेलिक का ये बॉक्स, ये और ये एक्रेलिक की चीज़ें, और ये आपको अगर बनवानी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अब ये आराम से बन जाती हैं, ये कटिंग हो जाती है, आपको बाहर ममालिक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। अब ये भी देखें, ये भी था एक ना बॉल, बास्केटबॉल का, ये भी कीवी ने खेला है काफ़ी, इसमें बास्केटबॉल डाल डाल के आता था, वो बॉल इस वक्त पिंजरे में पड़ी हुई है वरना मैं आपको दिखाती। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि खिलौने कहाँ से लिए क्या किया, तो ये खिलौने की हिस्ट्री है और मौजूदा हालत भी मैंने आपको बताई। मेरा थोड़ा सा क्रेज़ है, ये मेरा शौक़ है और शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और बर्ड्स को मैं चाहती हूँ बस इनको कुछ ना कुछ अच्छी तरह लर्न कराऊँ, ये कराऊँ, फिर इनसे टाइम पास अच्छा होता है। तो देखें इंशाल्लाह, फिर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, और मुझे कोई आपको फीडबैक देनी हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।